रूस यूक्रेन में जंग लगातार तेज होती जा रही है। रूसी हमलों के बाद अब यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई करने लगा है। वहीं अब यूक्रेन को मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक में बड़ी सफलता मिली है। पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर यूक्रेनी ड्रोन ने रूस की राजधानी मॉस्को की दो बिल्डिंगों पर अटैक किया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इस हमले के बाद रूस ने मॉस्को के वेनुकोवो हवाई अड्डा को बंद कर दिया है और यहां से उड़ान भरने और लैंड होने वाली फ्लाइट्स को रीडायरेक्ट कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या रूस का एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर गया है। रविवार सुबह हुए इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। शहर के दो ऑफिस टावर को नुकसान हुआ। हमले के बाद सड़कों पर ट्रैफिक रोक दी गई। यूक्रेन सीमाई क्षेत्रों में लगातार रूसी शहरों पर स्ट्राइक कर रहा है। यूक्रेनी सीमा से मॉस्को 500 किलोमीटर की दूरी पर है। मॉस्को में रूस ने एयर एंड मिसाइल डिफेंस आर्मी तैनात कर रखी है, जो शहर को किसी भी हमले से बचाता है। रूस के पास S-400, S-350 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का जखीरा है। ये सभी सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इन अत्याधुनिक हथियारों के बारे में कहा जाता है कि रूस किसी भी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यूक्रेनी स्ट्राइक को देखते हुए हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन के आधिकारिक आवास के बाहर पैंटिर S-1 सिस्टम तैनात किया गया। पुतिन मॉस्को से बाहर नोवो ओगारियोवो में रहते हैं। बता दें कि मॉस्को पर आखिरी ड्रोन हमला 24 जुलाई को हुआ था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने उस समय कहा था कि दो लोग दब गए और कुछ इमारतें दुर्घटनाग्रस्त हुई। रात में किए गए इस हमले में यूक्रेनी फौज ने अमेरिका से हासिल किए गए हिमरास रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। यूक्रेनी फौज ने दो रॉकेट टारगेट करके तेल और डिपो पर दागे थे।